ओके तो गाइस आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज की ना न्यूज़ जान के सारे ब्रॉक लेसनर के फैंस पागल हो जाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी पागल हो चुका था। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि मुझे कंफर्म करना था कि ये सच है या गलत। लेकिन गाइस अभी मैंने कंफर्म कर दिया है, ये चीज़ पूरी 100% सच है। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा गाइस, आप लोग ना पागल हो जाओगे वीडियो देख के। ओके तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता है कि भाई अभी 2-3 दिन पहले से ही एक न्यूज़ बहुत ही चल रही है कि ब्रॉक लेसनर WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, करंट रोस्टर के पेज के ऊपर ब्रॉक लेसनर वापस आ गए। तो गाइस ये भाई पूरी फेक न्यूज़ है। इसके ऊपर मैं एक बोलना चाहता हूँ, भाई ब्रॉक लेसनर पहले से ही वेबसाइट के अंदर थे, ब्रॉक लेसनर को रिमूव नहीं किया था, विंस मैकमैन को किया गया था, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ क्लियर कर लो गाइस कि ब्रॉक लेसनर वेबसाइट पे पहले से ही थे। भाई ये सब ना इंटरनेट से फैलाई हुई फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बड़े बड़े सोर्सेस से रिपोर्ट्स निकल के आती है, न्यूज़ निकल के आती है कि देर आर मोमेंट्स टू ब्रिंग ब्रॉक लेसनर बैक टू द WWE। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस अभी ना WWE के बैक स्टेज में ये बातचीत हो रही है, प्लान बन रहा है कि ब्रॉक लेसनर को वापस लाया जाए, ठीक है। तो ये एक बिग और पॉजिटिव न्यूज़ है ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए। और गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो आ गई। और गाइस अब ना भाई मैं एक्साइटेड हूँ कि कब ब्रॉक लेसनर कब आएंगे। लेकिन मुझको नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में आएंगे, ठीक है। देखो अभी भी टाइम लगेगा ब्रॉक लेसनर को आने में, लेकिन गाइस स्टिल होप अब बन चुकी है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं वापस, ठीक है। सभी को लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर अब रिटायर हो गए, कभी नहीं आएंगे। मैंने भी बोला था कुछ वीडियोस के अंदर कि नहीं आएंगे ब्रॉक, लेकिन अब भाई एक होप बन चुकी है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर पक्का आने वाले हैं, ठीक है। ब्रॉक लेसनर का जो केस चल रहा था उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ना ही किसी को होगा, उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ वगैरह आई नहीं है। तो गाइस उस चीज़ को पूरा साइड में रखते हैं, लेकिन गाइस अब एक होप बन चुकी है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर अब आ सकते हैं। तो सारे फैंस अब थोड़ा खुश हो जाओ कि भाई अब ब्रॉक लेसनर आ ही जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने और लगेंगे या फिर रेसलमेनिया के बाद आएंगे। और गाइस WWE ने अनाउंस किया है कि इस साल का जो समर स्लैम होगा बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो गाइस मुझे लगता है कि उस समर स्लैम के लिए ब्रॉक लेसनर को भी WWE वाले बुला लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा समर स्लैम होने वाला है 2024 का। तो गाइस ब्रॉक लेसनर को ये लोग बुलाएंगे क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ी स्टार पावर है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। यस गाइस ब्रॉक लेसनर आ ही चुके हैं गाइस, बस थोड़ा सा ही वेट करना है। आप लोग ना बस कमेंट के अंदर प्रेडिक्शन करो कि भाई ब्रॉक लेसनर कब आएंगे, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा। आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो, प्रेडिक्शन बताओ मुझे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, अपना ओपिनियन बताओ, तो गाइस मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के बाद जो रॉ होने वाला है फर्स्ट वाला, उसके अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब गाइस WWE वाले क्या चाहते हैं वो तो वही लोग जाने, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड तो गाइस मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा गाइस। तो अल्टीमेट फार्मर ओवर एंड आउट।